अस्सलाम वालेकुम। आज बनाने वाली हूँ बहुत मज़ेदार सा हलवा, जो मैं बनाऊँगी अंडों से और बेसन से। ठीक है, ये मैंने अंडे लिए हैं 2 अदर। ठीक है, इसमें मैं जो है ये चीनी ऐड करूँगी तकरीबन 1 कप। ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे हम चीनी। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली। अच्छा ठीक है, 1 ही कप मैंने इसमें दूध लिया। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को हमने मिक्स करके बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि हमारी चीनी भी घुल जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको फेंटना है। ये बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया, चीनी तकरीबन हमारी इसमें घुल चुकी है। बहुत मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है। ठीक है, इसको हम करते हैं साइड। अच्छा, कढ़ाई मैंने नॉर्मल ली है। ठीक है, अच्छा मैंने 1/2 कप जो है हमने घी लिया है। ठीक है, घी में इसमें ऐड कर रही हूँ। 1/2 कप लिया है, ये नॉर्मल कप है हमारा, बड़ा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल कप है। ठीक है, घी तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। ठीक है, इसमें मैं इलायची ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने इलायची ली है, इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, मैंने लिया है बनस्पति, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। ये मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिया हमने, 1 प्याली लिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी और हल्का हल्का हमने इसको भूनना है। ठीक है, हल्की आँच में भूनना है, तेज़ आँच में बिल्कुल नहीं भूनना क्योंकि ये जल भी जल्दी जाता है। ठीक है, तकरीबन ये हमारा भूनने पे आ गया। देखिए कलर चेंज हो रहा है, एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है इसमें। तकरीबन ये भून रहा है। ठीक है, अच्छा इसको 2 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, अच्छा ये तकरीबन हमारा भून गया है। ठीक है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, एक अच्छी सी खुशबू आ रही है भूनने की। ठीक है, अच्छा ये मैटर जो मैंने तैयार किया था, ठीक है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, एकदम नहीं डालेंगे हम। ठीक है, इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इसमें इस तरह से हम डालेंगे। अच्छा ये मैं सारा एक साथ, ठीक है लास्ट में मैं सारा डाल दूँगी। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मिक्स करना है। ठीक है, अच्छा इसको हमने इतना मिक्स करने के बाद इतना इसको पकाना है कि ये एक सिमट के एक साथ आ जाए। ठीक है, ये देखें इस तरह से हमने इसको पकाना है। ये देखें तकरीबन ये हमारा सिमटने पर आ गया है। ठीक है, 2-4 सेकेंड के लिए और मैं इसको मैं पकाऊँगी ताकि ये सिमट जाए हमारा, और तकरीबन ये हमारा सिमटने पर ही आ चुका है। ठीक है, तकरीबन हमारा सिमट गया। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल रेडी है, मैं चूल्हा कर दूँगी इसका बंद। ठीक है, अच्छा ट्रे में मैंने पहले से घी लगाया हुआ है। ठीक है, हम इसमें ये डालूँगी, इस तरह से हमने सारा इसमें डालना है। अच्छा इसको मैं इस तरह से जमाती चली आऊँगी। ठीक है, आप चाहें तो प्लेट में या किसी और ट्रे में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है इस तरह से हमने इसको जमाना है। अच्छा ये मैंने एक सा कर दिया है। ठीक है, इसमें हम बादाम पिस्ते डालेंगे, आप चाहें तो काजू वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं बादाम पिस्ते ही डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसको डालने के बाद हल्का सा हमने प्रेस कर देना है और तकरीबन मैंने इसको 1/2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देना है। ठीक है, उसके बाद हम इसके पीसेस करेंगे। तकरीबन हमारा रेडी हो गया, इसको 1 घंटे मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया। इसमें अच्छा मैं कट्स लगाऊँगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें कट्स लगा लेना है। इस तरह से हम इसमें कट्स लगा लेंगे। ठीक है, ये बहुत मज़े का और बहुत जल्दी तैयार होने वाला हमारा हलवा है। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और रेसिपी को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपसे से कोई चीज़ हमारी मिस ना हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, ये देख लीजिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी और मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से हम इसके पीसेस निकालेंगे। ये देखें ये हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बनता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है।